झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए नामांकन जारी है। पहले चरण के साथ साथ दूसरे चरण के लिए भी नामांकन शुरू हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तारीख है। कल पुष्प नक्षत्र होने के कारण रांची स्थित 6 विधानसभा अंतर्गत 42 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। इसमें हटिया विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। वहीं सबसे कम खिजरी विधानसभा से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। रांची जिले के हटिया विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जायसवाल और कांग्रेस उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव ने कहा कि हटिया मेरे लिए नया नहीं है और मैं हटिया के लिए नया नहीं हूँ। हटिया के लिए जो होना चाहिए था वह पिछले 12 सालों में नहीं हुआ। सरकार पे आ चुकी है। एसीसी की जमीनें किसने दी थी? यहाँ के झारखंड के भाई बहनों ने दी थी। आज एसीसी बर्बादी के कगार पे आ गया है। वहाँ के विस्थापितों को न्याय नहीं मिला। वहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। एसीसी बंदी के कगार पर है। अजय नाथ सहदेव जी के साथ खड़ा है, वहाँ के वर्कर के साथ खड़ा है। रांची जिला में ही आने वाले खिजरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कच्छप ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद राजेश कच्छप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता अपने विवेक से 5 सालों के कार्यों को देखते हुए मतदान करेगी। उन सहयोग के बल पे इस बार इंडिया अलायंस खिजरी विधानसभा में 22 तारीख को 20 तारीख को मतदान होगा। भारी से भारी मत इंडिया अलायंस के पक्ष में खिजरी विधानसभा में, जो इंडिया अलायंस का छाप है, पंजा छाप, उसके पक्ष में वोट पड़ेगा। और 22 तारीख को हम लोग विजय दिवस मनाएंगे, ये हमारा कहना है। और आने वाले दिनों में कार्यकर्ता जितने भी जो मुख्य तक तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका। हाँ तो चलेगा, असीम सहयोग।